इंसान ने जहां मुख्तलिफ नौयत की डेवलपमेंट्स की हैं, वहां पैकेजिंग इंडस्ट्री में टेप्स की इजाद खास अहमियत की हामिल है। आज के जदीद दौर में चीजों को आपस में जोड़ने और पैकेजिंग को दीदाज़ेब बनाने के लिए मुख्तलिफ इकसाम की टेप्स इस्तेमाल की जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल टेप्स मैन्युफैक्चर करता है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में भी एक्सपोर्ट कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के तारीखी शहर पिशावर में, जिसको फूलों का शहर भी कहा जाता है। जी हां, पठानों की शानदार रिवायात और मेहमान नवाजी का आलमबरदार ये शहर पूरी दुनिया में अपने लजीज खानों, तारीखी मकामात और कल्चर की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पिशावर की और केपीके की प्रोग्रेसिव साइड और बिजनेस साइड। हम मौजूद हैं हयातआबाद इंडस्ट्रियल जोन में, जहां पर वाकई है ज़कूरी ग्रुप की ये प्रोडक्शन फैसिलिटी। जी हां, ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड पाकिस्तान के अंदर एडहेसिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पायनियर तसव्वुर किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इंडस्ट्रियल और ख़ास तौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली हाउस होल्ड टेप्स ये इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कैसे तैयार करते हैं। आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the man behind Zakuri Group, the young CEO, Mr. Ayub Zakuri. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Kaise hain? Theek hain. Pleasure to meet you. Likewise, the pleasure is all mine. Acha, tell us something about your business journey, business legacy ke hawale se batayega. How did you get into this adhesive business? Kab se is karobar mein hain? Kya kya mushkil marahil aaye? Is waqt kahan khade hain? बिजनेस में तो खैर आई वुड नॉट से कि मैं एंटर हुआ, आई एम अ थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। माय ग्रैंडफादर वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल, ही वाज इनटू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर मेरे वाले साहब जो हैं, ही एक्चुअली स्टार्टेड दिस एडहेसिव बिजनेस बैक इन 1985, लेकिन मैंने ज्वाइन किया बिजनेस ऑफिशियली आप कह सकते हैं अनऑफिशियली 2000 में, बट आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट। लेकिन ऑफिशियली इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर और फिर फुल फ्लेज जो मैं बिजनेस में आया बैक इन 2006। और 2006 में हमारी फैक्ट्री जो थी वॉज अ सिक यूनिट और दिस वॉज द ओनली बिजनेस दैट वी हैड, और वहाँ से हमने शुरू किया माशाल्लाह से। आई वर्क रियली हार्ड, हमने इस प्रोजेक्ट को अपने काम अपने पाँव पे खड़ा किया माशाल्लाह से। थोड़ा सा मैं बताया था, चलूँ बेसिकली इस इंडस्ट्री में वी आर द पाइनियर्स, माई फादर वॉज द फर्स्ट वन टू सेट अप दिस एडहेसिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो हमें एक ये एच तो था, लेकिन विद टाइम एंड पॉलिसीज एंड एवरीथिंग कुछ हमारे इश्यूज थे, तो उसकी वजह से मतलब भी नहीं इंडस्ट्री सिक पे जा चुकी थी, लेकिन उसको रिवाइव किया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। देन वी डाइवर्सिफाइड एज वेल, माशाल्लाह। आप लोगों ने गैप देखा और फिर आपने ये यूनिट यहाँ पर लगाया। बेसिकली माई फादर बैक इन 1985 वी वर बेस्ड इन जर्मनी एट दैट टाइम, तो मेरे वाले साहब पाकिस्तान आए हुए थे और उस जमाने में वो कराची पोर्ट किसी अपने ही किसी इम्पोर्ट इश्यूज के लिए बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने देखा कि सुई नॉर्दर्न गैस वालों ने इलेक्ट्रिकल टेप्स और ये पीवीसी पाइप रैपिंग टेप्स जो हैं ये इम्पोर्ट की हुई थी इन अ वेरी बल्क क्वांटिटी, आई सी, देयर ही एक्चुअली केम अप विद एन आईडिया कि व्हाई डोंट वी एक्चुअली स्टार्ट समथिंग ओवर हियर एंड बीइंग द सन ऑफ द सॉइल, मेड इन पाकिस्तान, यस, मेड इन पाकिस्तान वाला। और माई फादर इज अ वेरी पेट्रियट सन ऑफ द सॉइल, मस्ट से माशाल्लाह। उन्होंने ये देखा कि भाई मतलब उस टाइम पे अफगान रेफ्यूजीज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आए हुए थे, देयर वाज अ ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल लाइक इन जिनको एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी उस जमाने में।
तो बैक इन 85 ही एक्चुअली स्टार्टेड द फर्स्ट यूनिट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम और उसका नाम आर यू ए तेजा इंडस्ट्री नाम था उसका. अच्छा. इनिशियल नाम जो था उसका आर यू ए तेजा था. आर इज द एब्रिविएशन ऑफ माय सिस्टर्स नेम, यू इज माय ब्रदर्स नेम एंड ए इज माय इनिशियल. और तेजा इज बेसिकली अ जर्मन वर्ड फॉर टेप. फ्रॉम दैट इन 1990 हमारे दो यूनिट्स हो गए देन वी कन्वर्टेड द नेम टू द ज़कोरी ग्रुप. हमारा फैमिली नेम भी है माशाल्लाह से. माशाल्लाह. और उसी से ही फिर आगे ज़कोरी ग्रुप भी हुआ. टेप जो है बेसिकली इट्स लाइक कि नहीं, जैसे आपको पता है इट्स द नेसेसिटी ऑफ. मैं हर एक को मिसाल देता हूँ, जब भी मेरे से कोई मिलने आता है दे आस्क मी अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस की जी मतलब व्हाई डू यू एक्चुअली स्टार्टेड दिस या व्हाई डू यू स्टिल वांट टू लाइक ग्रो दिस. तो मैं हर एक को बोलता हूँ कि व्हेन यू एक्चुअली एंटर माय ऑफिस तो विदाउट द ब्रिक्स एंड द वॉल्स मतलब वी नेम वन थिंग दैट वाज नॉट पैक्ड इन अ बॉक्स और समथिंग. ओह यस यस. बेसिकली हर चीज पैक होती है. इट्स अ हाउसहोल्ड प्रोडक्ट. हर घर में आपको जरूर नजर आएगी. हर जगह पे इस्तेमाल हो रही होती है. किसी भी चीज़ को आपने पैक करनी हो तो इस प्रोडक्शन फैसिलिटी में कितने इकसाम की, क्योंकि टेप्स भी तो आप डॉक्टर टेप है जो सर्जरी में यूज़ होती है, फिर पैकिंग के लिए बहुत सी होती है, उसमें मुख्तलिफ इकसाम है. सो यहाँ कितने इकसाम की टेप्स आप बना रहे हैं? बेसिकली हम इस वक्त जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो मेजर जो टेप है वो पैकेजिंग टेप है. पैकेजिंग में फिर कैटेगरीज आती जी, जिसपे मतलब इन डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट वेरियंट्स हैं. उसके अलावा जो हम स्टेशनरी टेप्स कर रहे हैं जो कि आपके स्कूल्स और ये सारी मतलब स्टेशनरी उसमें लगती है. फिर आपकी बुक बाइंडिंग टेप होती है, इसको हम डक्ट टेप बोलते हैं. लेकिन नॉर्मली उसकी आपकी बुक्स पे आपने देखा होगा तो कलरफुल वो होती exactly है. वो लेदर टाइप लगती है कि जो उसकी है. दैट वी मैन्युफैक्चर. उसके अलावा मास्किंग टेप है जो कि आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या पेंट इंडस्ट्री में यूज होती है, जिसमें आपकी ये सारे एजेस पे आप लगाते हो गाड़ियों के पेंट में भी. हमारे जितने आपके टोयोटा इंडस, होंडा एटलस, ये जितनी बाचलस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वी आर सप्लाइंग टू देम. अच्छा, माशाल्लाह. हमारी है. और अभी नेक्स्ट जो अब है हम दोबारा, क्योंकि हम पहले थे उस फील्ड में लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बिजनेस में हम उस वक्त जो है जब हम सिक उस वाइक पे चले गए थे, बट व्हेन वी स्टार्टेड रिवाइविंग तो हमने पहले ये लाइन शुरू की. एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह, करंट ईयर, हमने पीवीसी इलेक्ट्रिकल टेप में भी वापस आ जाएंगे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, तो पाकिस्तान की मार्केट की तो रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री को भी सप्लाई कर रहे हैं, लोकल मार्केट को भी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं अफगानिस्तान को. अच्छा, बिकॉज वी आर नेबरिंग टू अफगानिस्तान तो हमें यहाँ पे बीइंग अवे फ्रॉम द पोर्ट सिटी देयर हैज बीन अ डिसएडवांटेज, बट बीइंग क्लोज टू द अफगानिस्तान बॉर्डर इट हैज एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी एन एडवांटेज टू अस. अभी रिसेंट तो फिर मतलब नहीं, क्योंकि जब वो पॉलिटिकल सिचुएशन अक्रॉस द बॉर्डर थोड़ी ज़रा अनस्टेबल हुई है तो उसकी वजह से थोड़ी मतलब नहीं हमारे मतलब नहीं काम पे थोड़ा सा असर उसका पड़ा है. लेकिन वैसे जो है मतलब नहीं, दिस इज अ रूट टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड इट्स अ वेरी बिग मार्केट एंड इट हैज अ वेरी बिग पोटेंशियल. अच्छा, डेफिनेटली आप क्योंकि इसके पायनियर हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी हमारे देखने वालों को बताइए कि ज़कूरी ग्रुप या ज़कूरी की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी में बनने वाली ये जो टेप्स हैं, इनका क्या ऐसा आप समझते हैं स्ट्रेंथ है या क्या आपका ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि आपकी प्रोडक्ट को जो है प्रेफर किया जाए? क्वालिटी. क्वालिटी इज समथिंग दैट वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन सिंस द बिगिनिंग, सिंस द इंसेप्शन 1985 एंड दैट इज व्हाट हैज एक्चुअली केप्ट अस गोइंग. ज़कोरी इज अ बेसिकली अ पीर फैमिली तो हम थोड़े शायद लगते ना हो लेकिन थोड़े बहुत रिलीजियस भी हैं. माशाल्लाह. तो रिलीजियस एलिमेंट जो होता है, जिस तरह हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बोला कि नाप तोल में हमेशा मतलब नहीं बराबरी होनी चाहिए, कभी उसमें दो नंबरी नहीं होनी चाहिए. माशाल्लाह. तो वी हैव एक्चुअली केप्ट दैट कॉन्सेप्ट इन अवर मतलब नहीं एक मिशन ना आप कह लो या विजन में कह लो. इट हैज बीन वेरी क्लोज टू मी कि हमने जो चीज दी है हमेशा पूरी दी है, अच्छी दी है. अल्लाह का शुक्र है मार्केट में हमारा जो ब्रांड है जिसपे हम जिल बोलते हैं उसको, जिल का जब ठप्पा लगा होता है तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से वो दूसरी टेपों से ज्यादा अच्छी बिकती है, महंगी बिकती है. Nice. आप अगर दूर शेल्फ पे अगर आप चले भी जाओ तो यू कैन एक्चुअली मतलब सर देख के यू कैन डिफरेंशिएट कि नहीं यार टेप में फर्क है. Very और nice. उसके अलावा जो है क्वालिटी इज समथिंग लाइक आई सेड, हमारी थिकनेस हो गई, हमारी ग्लू हो गई, हमारी विड्थ हो गई, दैट इज समथिंग दैट वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज. क्योंकि आपकी जो कंजम्पशन है, मैं आपको दोबारा बोलूंगा, आप किसी भी इंडस्ट्री, चाहे वो टोबैको है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, चाहे वो जो पैक, मतलब आपने कई भी चीज देखी आपने पैक करनी है, ठीक है, पैक होनी है उस चीज में. बिल्कुल. और ये प्रोडक्ट दोबारा यू रियूजेबल नहीं है. तो वही वाली बात कि बेसिकली इसकी प्रोडक्ट, इसकी कैपेसिटी, इसकी जो है ना मतलब भी नहीं, इसकी जो कंजम्पशन है सॉरी, दैट इज सो मच कि मतलब भी नहीं, इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. It's a win-win situation for Pakistan, for you know, for the city Peshawar. Thank you very much, Mr. Ayub Zakuri Sahab. Pleasure meeting you. Pleasure is all mine. Thank you very much. हमारे नाज़रीन ने आपकी गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा की. हम आगे चल के आपको जो है इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से ये एडहेसिव प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान के अंदर तैयार की जा रही हैं.
विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आप लोग कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर हमें लेनी एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। इस्तेमाल करते हैं वो है स्कॉच टेप, और स्कॉच टेप का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क होता है, इसलिए सुपर गोल्डन शीट जो है ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एडहेसिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जंबो रोल्स इंपोर्ट किए जाते हैं। रॉ मटेरियल स्टोर में जंबो रोल्स और पैकिंग मटेरियल के साथ साथ पेपर कोर को भी स्टोर किया जाता है। रॉ मटेरियल स्टोर से पेपर कोर और जंबो रोल्स रिवाइंडिंग सेक्शन में भेजे जाते हैं, जहां बैक वक्त इंडस्ट्रियल और कमर्शियल टेप्स तैयार की जाती हैं। कमर्शियल इस्तेमाल होने वाली टेप्स में सबसे पहले पेपर कोर को कटिंग मशीन के जरिए रिक्वायर्ड साइज में काट कर रिवाइंडिंग मशीन में इंस्टॉल किया जाता है। रिवाइंडिंग मशीन की एक साइड पर जंबो रोल लगाया जाता है। मशीन जंबो रोल को न सिर्फ ऑटोमेटिकली अनवाइंड करती है, बल्कि कटर ब्लेड की मदद से रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक काटती है और छोटे पेपर कोर्स पर खास मिकदार तक रिवाइंड करती है। घरों में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली स्कॉच टेप भी इसी तर्ज पर निस्बतन छोटी लेटेस्ट ऑटोमेटिक मशीन पर तैयार की जाती है, लेकिन इसमें खास किस्म का प्लास्टिक कोर इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इकसाम की टेप्स, चाहे वो सुपर गोल्ड हो, स्टैंडर्ड गोल्ड, मास्किंग टेप्स, क्लियर, ट्रांसपेरेंट या फिर टैन टेप्स हो, सब एक ही तरीके से रिवाइंडिंग सेक्शन में तैयार की जाती हैं। इस मरहले में रिवाइंडिंग मशीन पर रिक्वायर्ड टेप के जंबो रोल को अनवाइंड करने के बाद पेपर कोर पर खास मिकदार तक रिवाइंड करके लॉग्स तैयार किए जाते हैं। इन लंबे लॉग्स को फिर कटिंग सेक्शन में भेजा जाता है। कटिंग मशीन्स पर खास किस्म का फर्मा लगाकर माहिर कारीगर क्लाइंट के रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक टेप्स को मुख्तलिफ साइज में काट कर पैकिंग सेक्शन में भेज देता है। पैकिंग सेक्शन में टेप्स के बंडल्स बनाकर प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है और हीटर मशीन से गुजार कर रैप्ड बंडल्स को कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है। ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड की प्रिंटिंग सेक्शन में कस्टमाइज इंडस्ट्रियल पैकिंग टेप्स तैयार की जाती हैं। क्लाइंट के ब्रांड लोगो डिजाइन के मुताबिक प्रिंटिंग फर्मा तैयार किया जाता है। प्रिंटिंग सेक्शन में खास किस्म की रिवाइंडिंग मशीन की मदद से न सिर्फ जंबो रोल को अनवाइंड किया जाता है, बल्कि ब्लॉक प्रिंटिंग के अमल से क्लाइंट का लोगो डिजाइन टेप पर प्रिंट किया जाता है। तैयार टेप को साथ साथ मशीन के पिछले हिस्से से मुंसलिक पेपर कोर पर रिवाइंड भी किया जाता है। कस्टमाइज प्रिंटेड टेप्स को कार्टन्स में पैक करके डिस्पैच सेक्शन भेजा जाता है, जहां से हर किस्म की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पैकिंग टेप्स को अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। नाज़रीन, ये है ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड का रॉ मटेरियल स्टोर, या इसको इन्वेंट्री स्टोर भी कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से एडहेसिव मटेरियल, चिपकने वाली ये टेप्स जो हैं, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, कैसे तैयार की जाती हैं। और सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर तमाम तर जो रॉ मटेरियल आगे चल के इस्तेमाल होता है इसमें, उसको स्टोर किया जाता है। और फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके हेड ऑफ प्रोडक्शन मिस्टर मोहम्मद अबूज़र। अस्सलाम वालेकुम अबूज़र, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा अबूज़र, सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रही है ये, आई गेस पेपर कोन्स हैं जो कि दरमियान में उसके वो की जाती हैं,
सो ये भी इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में? नहीं, ये लोकली सर में जाते हैं ना, लोकली यहाँ से पेशावर में मिल जाते हैं ना। अच्छा, इसको बेसिकली बोलते हैं पेपर कोर्स, मतलब ये पेपर से बना होता है और हार्ड कोर होता है, इसलिए इसको पेपर कोर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये जंबो रोल्स है। आई सी, और ये इम्पोर्टेंट मटेरियल है? जी, ये इम्पोर्टेंट मटेरियल चाइना मलेशिया से इम्पोर्ट होके आता है। ठीक है, ये जंबो रोल्स हो गई आपकी, इस तरह ये टिपी कोर्स हो गई। ठीक है, तो मोस्टली इस तरह जंबो रोल्स में भी हमारे पास फिर किस्म है। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ इस तरह है, मतलब जिसको डक टेप बोलते हैं या क्लॉथ टेप बोल लेते हैं। ठीक है, कुछ है मास्किंग टेप, वायर टेप, जिसको इधर शायद नजर उधर आपको मिल जाएगी। ठीक है, वायर टेप जिसको मतलब मोस्टली सर्जिकल तो आप उसको नहीं बोल सकते, लेकिन वो वायर टेप होती है, जिस तरह वो पैसों पर लगा देते या वो सीलिंग के लिए यूज कर लेते हैं अक्सर, हम स्कॉच टेप कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो, तो उसको हम BOPP, जो इसका टेक्निकल वर्ड है ना, बाय ऑक्सी पॉलीप्रोपाइलीन है। अच्छा, ठीक है, ये इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसको ये बोलते हैं। हम तो जो लोकल बोल लेते इसको सेप वगैरह बोल लेते हैं, इस तरह बोलते हैं ना। अब जिस तरह ये ट्रांसपेरेंट है, इसका जो टेक्निकल नेम है इसको क्लियर बोल लेते हैं, इसको क्लियर, एसटीडी क्लियर, या एसटीडी क्लियर, या क्लियर फिर इसमें भी इसकी किस्म है, क्लियर 38, 43 एंड 48। ठीक है, तो ये सारे जो जंबो रोल्स हैं, अच्छा इनमें टाइप्स डिफरेंट हैं। जो इंडस्ट्री के लिए पैकेजिंग मटेरियल होता है, इन सब की केमिकल वैसे भी डिफरेंट होती है, क्योंकि किसी चीज पे सर ये तो सारा ये सेम ही होता है, जो इसकी एडहेसिवनेस होती है ना, सिर्फ उसकी जो रेशियो है उसमें अप डाउन आते हैं। फॉर एग्जांपल 38 माइक्रोन है, ठीक है, 38 माइक्रोन की तो थिकनेस कम होती है एज कम्पेयर टू 43 माइक्रोन एंड 48 माइक्रोन। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप ये सारा रॉ मटेरियल जो स्टोर करते हैं, अच्छा हम पीछे देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से आपके जो फाइनल प्रोडक्ट है, इस तमाम सर आप यहाँ से कॉटन ले लेते हैं। जिस तरह ये कॉटन है ना हमारे पास, ये कॉटन हमने लेके, ये एक ब्रांड है, ये ब्रांड है हमारे पास, ग्रिप एक्स का ब्रांड है। अच्छा, ठीक है, ये इस तरह मतलब ये आपका अपना ब्रांड है ग्रिप एक्स? मतलब जी, हमारा अपनी ब्रांड है ना। ठीक है, ये जो मतलब जो कस्टमर की डिमांड है, और ये हमारा अपना जिल लोगो लगा हुआ है। अभी कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप लोग यहाँ बना रहे हैं? तो सर तकरीबन सेव होती है 6-7 टाइप की होगी। ठीक है, इस तरह जो वो आप कहते हैं ना, वो पैकिंग डक्ट है जिसको, तो व्हाट इज द पर्पस कि इतनी ज्यादा फिर ब्रांड कितने बनाए, अलग अलग मार्केट को एंटर करने के लिए? अब देखिए, कुछ होता है बिल्कुल क्लियर, किसी को चाहिए होता है येलो कलर का, मतलब जो डल येलो होता है, लाइट येलो कलर का होता है, तो किसको वो चाहिए होता है, है। तो सारे जो मतलब ये तो डिमांड पे डिपेंड करता है ना, जिनको जो डिमांड होती है वो डिमांड करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जो सबसे अच्छी चीज़ है ये बड़ा पर्पज बिल्ट इन्होंने जो है ये सारा का सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, बड़ी सफाई सुथराई हमें नज़र आ रही है, हर चीज़ जो है बड़ी सिस्टमाइज तरीके से अपनी अपनी जगह पर रखी हुई है। और आगे चल के हम आपको इनके प्रोडक्शन फैसिलिटी में लेके जाएंगे, आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा शोर है वहाँ पर, काम हो रहा है, किस तरीके से इन बड़े बड़े बंडल्स को और इन पेपर कोन्स को फिर बाद में मिलाया जाता है और टेप्स बनाई जाती हैं, ये सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। मौजूद है ज़कूरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रिंटिंग टेप सेक्शन में, जहां पर ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज्ड प्रिंटेड टेप तैयार करते हैं। और आप देख सकते हैं, लुक एट द नंबर, कितनी बड़ी तादाद में प्रिंटिंग के फर्में यहां पर मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी हैं, जैसा कि ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रीट में ब्लेड कैसे तैयार किए जाते हैं, इस पर भी मेड इन पाकिस्तान का प्रोग्राम हमने किया है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये सर्विस शूट की जो है प्रिंटेड टेप तैयार की गई है। अच्छा, ये प्रिंटेड टेप तैयार कैसे होती है? सबसे पहले इन्हें इस तरह का फर्मा तैयार करना पड़ता है, और ये जो इनकी मशीन है, इस मशीन के ऊपर एक ब्लॉक के ऊपर लगा के रखना पड़ता है। होता क्या है जी, रॉ मटेरियल स्टोर से ये जो टेप के बंडल हैं उनको लाया जाता है, और इसके लिए ख़ास तौर पर जो क्लियर टेप है, जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस बंडल को फिक्स किया जाता है मशीन के ऊपर, जो पहले इसको अनवाइंड करती है, अनवाइंड होके इसके ऊपर यहाँ से गुजारा जाता है, जहाँ से ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्याही पड़ी है, क्लाइंट अगर रेड कलर की चाह रहा है, ब्लू, येलो, जिस तरह की भी, वो स्याही डाली जाती है, और साथ साथ वो जो फर्मा है वो इसको ब्लॉक प्रिंट किया जा रहा है, और फिर ये जो टेप तैयार होती है ये आगे जाके दोबारा वाइंड हो जाती है और नए रोल तैयार हो जाते हैं, जिस तरह ये मुख्तलिफ क्लाइंट्स के तैयार हैं, जैसे कि सर्विस शूज है या फिर बड़ी से फैब्रिक्स है। तो मुख्तलिफ क्लाइंट जो है यहाँ पर प्रिंटेड टेप
तैयार करते हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं बल्क में जो टेप तैयार होती है जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है और हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती है वो कैसे, आइए बताइए। मौजूद है ज़कूरी इंडस्ट्री लिमिटेड की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर और आप देख सकते हैं स्टेशनरी की जो टेप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में वो यहाँ पे तैयार की जा रही है, साथ ही साथ स्कॉच टेप्स भी तैयार की जा रही हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड गोल्डन कलर्स को कहते हैं, इसके बंडल्स को रॉ मटेरियल स्टोर में जहाँ इन्होंने स्टोर किया हुआ था इस मशीन के ऊपर रखा जाता है। ये अनवाइंडिंग मशीन है, एक तो इसको अनवाइंड कर रही है, दूसरा यहाँ पे कटर्स लगे हैं जो इसको पीसेस में काट रही है एक स्पेसिफिक साइज के मुताबिक, और फिर जो पेपर कोर है उसके ऊपर रैप कर रही है। लेकिन पेपर कोर को भी काटना है, उसकी कटिंग के लिए एक अलग मशीन होती है और ये वो पेपर कोर्स है जो इसकी रॉ मटेरियल स्टोर में होती है। इन पेपर कोर्स को जो है इस कटिंग मशीन पर चढ़ाया जाता है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस साइज के अंदर जो है ये पेपर कोर्स काट दी जाती है, फिर इन पेपर कोर्स को शिफ्ट किया जाता है। अगर मैं क्योंकि आपको दिखाता हूँ एक और मशीन है जहाँ पर पेपर कोर्स को रखा जाता है, आप देख सकते हैं ये पेपर कोर्स रखी गई है, यहाँ से एक स्टाफ को इंसर्ट किया जाता है जिससे तमाम तक पेपर कोर्स जो है आ जाती है विद अ स्पेसिफिक पेपर और फिर उस स्टाफ को जो है मशीन को लगाया जाता है और यहाँ से इन तैयार टेप्स को जो फाइनल प्रोडक्ट है इनको कार्टन में पैक किया जाता है और आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है तो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है। हम भी अपने घरों में इस तरह की स्टेशनरी टेप जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक टेप जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है स्कॉच टेप, और स्कॉच टेप का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क होता है, इसलिए सुपर गोल्डन शीट जो है ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, मशीन इज़ द सेम, प्रोसेस द सेम, लेकिन ये जो छोटे साइज में बन रही है तो इसमें क्या होता है कि पहले इसको अनवाइंड करती है, यहाँ पे कटर्स लगे हुए हैं जो इसको काटते हैं और जो स्कॉच टेप होता है इसकी कोर जो है वो पेपर की होती है, पीपी कोर होती है, तो ये पीपी कोर जो है उसी तरह की एक मशीन के अंदर उसको इंसर्ट करते हैं और फिर बाद में स्टाफ जो है वो इंसर्ट की जाती है, लोड की जाती है, उससे कोर करते हैं एक पेपर के मुताबिक स्पेसिफिक साइज के मुताबिक, यहाँ पर आते हैं उन पर टेप चढ़ाई जाती है और इनको भी पैक कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो वो टेप हैं जो हम आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं, रिटेल मार्केट में मिलती हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए जो टेप इस्तेमाल होती हैं वो कैसे तैयार की जा रही है, उनका कटिंग प्रोसेस कैसे होता है वो आगे चल के आपको सब दिखाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसको काटने के लिए एक तो महारत चाहिए और दूसरा इन्होंने जो बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक स्पेसिफिक साइज़ तक काटा जाता है, जैसे 46 mm से लेके 100 mm तक, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेप्स को काटते हैं। कार्पेंट्री का काम हो रहा होता है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मुस्लिम इंडस्ट्री में इस टेप का विकास इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ एक और टेप है वो तैयार की जा रही है और ये ट्रांसपेरेंट है, इसको एक
प्रोडक्शन हॉल से तैयार इन लॉग रोल्स को कटिंग हॉल के अंदर तकरीबन एक से दो दिन रखा जाता है। इसको रखने का मकसद ये है, एक तो इसकी पकड़ाई जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाए, दूसरा इसमें फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि अगर फौरी तौर पर गरम गरम रोल्स को ही कटिंग के प्रोसेस में ले जाएंगे तो इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो दो दिन के अंदर इसके बबल्स भी रिमूव हो जाते हैं, इसमें फिनिशिंग आ जाती है और मजबूती आ जाती है। फिर इन लॉग रोल्स को, जिस तरह के सुपर गोल्डन है या क्लियर लॉग रोल्स हैं, इनको कटिंग मशीन्स पर लेके जाया जाता है। आप देख सकते हैं ये मैनुअल कटिंग मशीन्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इस लॉग रोल को जो है इंसर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर फिर एक एक कारीगर जो है इस मशीन को चलाकर इसको काटता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसको काटने के लिए एक तो महारत चाहिए, और दूसरा इन्होंने जो बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक स्पेसिफिक साइज़ तक काटा जाता है, जैसा 46 mm से लेके 100 mm तक, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेप्स को काटते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए ये मोल्ड तैयार करते हैं। ये जिस व्हील को मूव कर रहे हैं वो व्हील आगे जाके स्पेसिफिक मोल्ड के अंदर फिक्स हो जाता है, और इस तरह एक एक्यूरेट साइज़ तक जो है इनकी कटिंग होती है। इन लॉग रोल्स को काटने के बाद उसी तरीके से छोटी, आप कह लीजिए जो ये पैकिंग की टेप्स बन जाती हैं, फिर इन टेप्स को इन टेबल्स पे लाया जाता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इन टेप्स को इस प्लास्टिक के पैक के अंदर रैप किया जा रहा है, और यहाँ से फिर एक हीटर मशीन के अंदर गुजार के एक फिनिश फॉर्म आ जाएगी, जिसको कार्टन में पैक किया जाएगा और वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से इनको डिस्पैच किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में, हत्ता कि अफगानिस्तान में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फाइनली हम मौजूद हैं ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड के डिस्प्ले सेक्शन में, जिनका कहना है वी मेक थिंग्स परफेक्ट। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये परफेक्ट एडहेसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर तैयार कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हो या फिर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली ये टेप्स हों। सो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली टेप्स मुख्तलिफ साइज के अंदर ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं, और फिर मुख्तलिफ शेड्स के अंदर ये टेप्स होती हैं, चाहे इस तरह का सुपर गोल्डन हो या फिर ये ट्रांसपेरेंट कलर की जिसको क्लियर शीट कहते हैं, मुख्तलिफ साइज के अंदर ये तैयार करके मुख्तलिफ इंडस्ट्री को फराहम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मास्किंग टेप्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस्तेमाल होती हैं, प्लम्बिंग के लिए, और आप कह लीजिए कि कारपेंटर्स जो है ये भी इस्तेमाल करते हैं। फिर ये ख़ास किस्म की टेप्स इस्तेमाल होती हैं जो आप पाइप्स पे उसको रिपेयर करने के लिए लगाते हैं, कहीं कोई लीकेज हो जाए तो दे वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये टेप्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। साथ ही साथ हमारे घरों में और स्टेशनरी के लिए इस्तेमाल होने वाली इस तरह की स्कॉच टेप जो है मुख्तलिफ साइज़ में, वो भी इसी फैक्ट्री के अंदर जो है बनाई जा रही है। यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया होगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस तरह की यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान के शहर पिशावर के इंडस्ट्रियल जोन में बनाई जा रही हैं। और आज का प्रोग्राम देखकर आप सब लोगों को फख्र हुआ होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि ये प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह के बिजनेस को सपोर्ट करें, इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इम्पोर्ट करें। एक विन विन सिचुएशन है उनके लिए, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरियल साइड पर आएंगे, उनका अपना बिजनेस जो है वो डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी फायदा होगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे,
आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी सपोर्ट करें, YouTube, Facebook और Instagram पे हमें फॉलो करें और हमारे प्रोग्राम्स देखते रहें, हमें फीडबैक देते रहें। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।